आवाम के लिए महंगी बिजली एक बड़ा इशू है। बिजली की कीमतें कैसे कम की जा सकती हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। गौहर जा साहब, अब देखिए मेरे पास ये सारा एक ब्रेकअप पड़ा हुआ है, क्योंकि आप बार बार बात करते हैं कैपेसिटी कॉस्ट को कम करें। अब इसमें 18 रुपए में से तकरीबन 13 रुपए जो है वो तो आता है प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ फॉरेन डेट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ फॉरेन डेट, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोकल डेट, इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑफ लोकल डेट, फिक्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस, वर्किंग कैपिटल और वापदा। 13 रुपए तो ये बन जाता है, बाकी जो इक्विटी का कंपोनेंट बनता है वो 4.5 रुपए का है। तो इसमें से आप क्या समझते हैं कि कैसे कम किया जा सकेगा अगर 13 रुपए है ही ज्यादातर डेट रिलेटेड? शहजाद देखें, हमारी ऑडियंस इस बात में मुझे नहीं पता कितनी एक इंटरेस्टेड होगी कि किसका कितना कर्जा है, मेरा कितना कर्जा है, आपका कितना कर्जा है, या 107 प्लांटों का कितना कर्जा है। मेरी ऑडियंस जो पाकिस्तान है वो तो आज एक बात पूछ रहा है, और उवैस लगारी साहब ने उसका जवाब बड़ी खूबसूरती से दिया कि देखे जनरेशन के अंदर उन्होंने कहा है 9 रुपए, ये 3 ब्रैकेट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो सीपैक के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, ये 9 रुपए हैं। अगर हम जितना माल इनसे ख़रीद रहे हैं उसके पेमेंट करें तो जो है 19 रुपए के सामने इनको 10 रुपए देने होंगे, 9 रुपए बच जाएंगे। अब 9 रुपए बचेंगे तो उस पर जो 16% ट्रांसमिशन लॉस है वो भी बच जाएगा, 1.60 रुपए, वो तो बगैर कुछ किए बच जाएगा। तो ये टर्म जो है, क्योंकि आपका 16% ट्रांसमिशन लॉस है, आज का मैं इसको आसान बोल दूं कि आज जैसे बोला 10 रुपए हमारी जनरेशन कॉस्ट नहीं है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट साहब ने बोला 10 रुपए हमारी फ्यूल कॉस्ट है, मतलब जो एनर्जी कॉस्ट रॉ मटेरियल लगते हैं, जिसमें हमारा कोल है, फर्नेस ऑयल है, पानी है, हमारे जितने भी गैस है, LNG है, सब की कॉस्ट 10 रुपए है, वो फ्यूल कॉस्ट है, जनरेशन कॉस्ट नहीं है। तो हमारी 10 रुपए की फ्यूल कॉस्ट है, हमारी आज के दिन 19.5 या 20 रुपए तमाम जितने हमारे यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हाइडल भी है, जिसमें IPP भी है, हाइडल की कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि वो पुराने प्लांट लगे हैं, तो 20 रुपए की या 19.5 रुपए की जैसे आप एग्जैक्ट ले लें तो ये कॉस्ट मौजूद है। उसके ऊपर 16% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, आज 35 रुपए की कॉस्ट है जो लगारी साहब आपको बता रहे हैं। तो 10 रुपए फ्यूल है, 20 रुपए 19.5 या 20 रुपए कैपेसिटी है, और इसके ऊपर 16% क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, 35 की कॉस्ट है। अब अगर मुझे बताएं इस 35 में से सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है, 20 रुपए, और 20 रुपए में से अगर हम जितनी बिजली खरीद रहे हैं उतने के पैसे दें तो आधा रह जाता है, वो 10 रुपए रह जाता है। अच्छा 10 रुपए बोले ना तो आदमी, एक सेकेंड, अगर 10 रुपए बोले तो हम कह रहे हैं सिर्फ 10 रुपए यूनिट 35 में से, अरे ये 10 रुपए यूनिट 1 लाख रुपए हम गिनते हैं ना, तो इतने पैसे होते हैं उसके, 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000, 1 लाख करोड़ रुपए का फर्क है जिनको हम अदा कर रहे हैं बगैर बिजली बनाए सालाना, 1 लाख करोड़ इनको। और ये सारे कह रहे हैं मेरा तो मुआहदा है, हुकूमत मुझे दे, हुकूमत का मतलब क्या है, लगारी साहब ने थोड़ी देने हैं पैसे, लगारी साहब तो हमारी अमानत पे बैठे हैं, हुकूमत के जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आवाम का और हुकूमत का, तो वो हमारी अमानत पे बैठे हैं और उस अमानत की हिफाजत करनी है आवाम की। क्या ये 1 लाख करोड़ रुपए, शहजाद जो जुमला है मेरा मुकम्मल करने दे, 1 लाख करोड़ क्या आवाम से लेके इनको दे देना है कि मेरा मुआहदा है, मुआहदा किस बात के है, मैंने पैसे लगाए थे।